और यह गूंज संसद तक पहुंची। दोपहर तक गूंजती रही, ऐसा लगा मानो प्रियंका रेड्डी के घर वालों के साथ पूरी दिल्ली पर भारत रोया। देश को शर्मसार कर देने वाली यह घटना के संदर्भ में केंद्र सरकार स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए और राज्य को निर्देशित किया। केसरगंज ब्लॉक के चकास सौगहना रुकरानपुर में दो दिवसीय डे नाइट न्यूज आजाद वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आजमगढ़, बीआरडी इलाहाबाद हॉस्टल, रिक्शा बरेली, टेरा टिकरा मुजफ्फरनगर स्टेडियम, साई हॉस्टल रायबरेली, कितूर बाराबंकी जौनपुर आदि टीमों ने हिस्सा लिया। इस खेल के मुख्य अतिथि रहे पयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी ने खिलाड़ियों का हौसला जाई कर सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया।